Come in, sir. Come in. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste. Thank you, sir. Mr. Govardhan Singh Gujjar? Yes, sir. Yeah. अपना थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर मेरा नाम गोवर्धन सिंह गुजर है, मैं जयपुर जिले के चाकसू तहसील के गणेशपुरा गांव का निवासी हूँ। मैंने सर अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की है, उसके बाद में बीकॉम कॉमर्स कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी और एलएलबी किया वो लॉ कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। सर किस ईयर में किया लॉ? सर मैंने 2016 में कंप्लीट किया। 2016 और अभी चल रहा है 2024। सर तो इस पीरियड में क्या किया? सर मेरे क्या जॉब सिक्योर के लिए मैं दूसरी तैयारी करने लग गया और मैं अभी वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट अभियोजन विभाग में हूँ। सर क्या तैयारी कर रहे हैं? सर यही आरएएस की या कोई भी वैकेंसी जिसमें मैं जॉब सिक्योर कर लूँ उसके लिए फिर तैयारी। तो नहीं सर अभी नहीं दे रहे? नहीं सर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है यस सर उसके बारे में बताइए क्या कहते हैं? सर संविधान के बारे में, संविधान की आत्मा बताते हैं इसको, प्रीएम्बल को। इसमें जो संविधान निर्माताओं की सोच थी, उन वो संविधान को किस प्रकार बनाना चाहते थे उसके बारे में पूरा ब्रीफ रूप में दिया हुआ है। सर आपको याद है प्रीएम्बल? यस सर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा अवसर एवं प्रतिष्ठा। चलो इसमें तो सामाजिक न्याय की जो बात की गई है यस सर, तो इसका क्या मतलब समझ गया? मैं जस्टिस का सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? सर सामाजिक न्याय से ये आता है कि समाज में जो सभी लोग हैं वो सब समान अधिकार होंगे उनके। ये जो रिजर्वेशंस की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में yes. वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए? सर अनुच्छेद 16 में। क्या कहता है? सर अनुच्छेद 16 ये बोलता है कि महिलाओं और गरीब वर्ग के गरीब वंचित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। सिर्फ महिला और गरीबों के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। सर एससी एसटी? हाँ एससी एसटी के अनुसूचित जाति। हाँ सर अनुसूचित जाति और जनजाति। वैसे तो जो समता का जो अधिकार है राइट टू इक्वलिटी वो सबके लिए है, लेकिन आर्टिकल 15 में क्या कहते हैं ये उसके लिए? कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं पार्लियामेंट को पावर दी हुई है संबंध में, वो क्या है, वो किस वर्ग के लिए कहा है उसे? सर महिलाओं के लिए और सर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। चिल्ड्रन के लिए? सर बच्चों के लिए। वुमन एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए नहीं कहा? चलिए देखिएगा हमारा जो सीआरपीसी है उसमें कुछ प्रिवेंटिव जो अपराध है मतलब अपराध को रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 107, सेक्शन 108, 109 और 110। क्या कहता है 107? सर 107 ये बताता है सर 144 क्या कहता है? सॉरी सर 106 क्या है? सॉरी सर सर सेक्शंस याद नहीं है। अच्छा सेक्शंस याद नहीं है। क्या मजिस्ट्रेट जो है कोई ऐसे बॉन्ड बना सकता है कन्विक्शंस के बाद में कि आगे कोई अपराध नहीं करेंगे?
हाँ सर, सेक्शन 107 में कर सकता है सर। ये 106। सॉरी सर, ये 106। अच्छा ये बताइए, जैसे कन्विक्शन हो गया किसी एक्टिविटी का, हाँ सर, क्या कोर्ट इस तरह की शर्त भी लगा सकता है, बोर्ड ले सकता है कि अगर आप अपना रेजिडेंस चेंज करते हो या कहीं जाते हो तो उसकी सूचना करेंगे? हाँ सर। वो कौन सा है? सर सर सेक्शन करो, सीआरपीसी में है कोई ऐसा प्रोविजन? कोई 356 में है ऐसा प्रोविजन? सर सर सेक्शन याद नहीं है। सेक्शन याद 357 क्या है? सॉरी सर। क्या एक मजिस्ट्रेट को जब वो 1563 में FIR दर्ज करने के लिए ऑर्डर करता है, उसको सेक्शन 200 की या 202 की कंप्लायंस करना जरूरी है क्या? सॉरी सर। चलिए आपसे ये गोवर्धन चेयरमैन सर ने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, ये सामाजिक न्याय के संबंध में, तो सामाजिक न्याय का कोई बेनिफिट आपको हुआ है? अपने डॉक्यूमेंट में कि रिजर्वेशन का वो लगा रखा है? हाँ सर। सर्टिफिकेट लगा हुआ, तो क्या ये सर्टिफिकेट ये नहीं पता था कि आपको सामाजिक न्याय के कारण ये मिला है? हाँ सर, वंचित वर्ग के लिए। अच्छा, 80 CPC क्या है? सेक्शन 80 CPC सर, इसमें सरकार के विरुद्ध कोई भी, सरकार के विरुद्ध या उसके प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला होता है तो उसमें नोटिस देना पड़ता है, तो नोटिस के संबंध में बताया। किस तरह के मामले में? सर सिविल मामले। तो बिना 80 CPC का नोटिस दिए हुए कोई आदमी कोर्ट में आ जाता है, जैसे किसी आदमी का घर टूट रहा है, तो वो उसके खिलाफ केस भी करना चाहता है, लग रहा है कि उसे लगन देना बेटी उसके घर से तोड़ दे, वो 80 CPC का नोटिस नहीं देता और वो कोर्ट में आ जाता है, तो रिलीफ देगी क्या कोर्ट? सर सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं होता है सर। हाँ तो सरकार की वृद्धि तो कर रहे, नगर निगम सरकार में आता है कि नहीं आता? आता है सर। सरकार नगर निगम आता है सर? सरकार की परिभाषा नगर निगम की है? हाँ सर, नगर निकाय वगैरह स्वायत्त सर। राज्य की परिभाषा में? राज्य की परिभाषा। तो क्या आ सकते हैं? सॉरी सर, वो तो तब तक कितने दिन का देना पड़ता है नोटिस? 60 दिन का। 60 दिन का, तो 60 दिन में तो मकान वगैरह सब तोड़ देंगे, फिर इमीडिएट रिलीफ के लिए दिखा दे? नहीं सर, ऑर्डर 39 में। इसमें ऑर्डर 39 में क्या है? ऑर्डर 39 सर व्याधेश से संबंधित है। अच्छा, ये जो व्याधेश दे रखे हैं और स्पेशल रिलीफ में जो दे रखे हैं उन्होंने भी अच्छा लेके? सॉरी सर, इस समय अभी करंट में कोई कानूनी घटना, कानून से जुड़ी हुई कोई घटना जो अभी आपने सुनी हो, अभी चल रही हो? हाँ सर, किस संबंध में सर? किसी भी संबंध में, अखबार पढ़ते हो? हाँ सर। तो अखबार में जो ऐसी कोई घटना जिसका संबंध आपके कानूनी प्रावधानों से है और जो चर्चा में भी है, तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में अभी काउंटिंग कराई अपने केबिन में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कहाँ से आई, कहाँ से मिली पावर, कौन से आर्टिकल में ऐसी पावर है? सॉरी सर, फंडामेंटल राइट्स पढ़े? हाँ सर। तो फंडामेंटल राइट्स में किन किन कोर्ट्स के पास अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते? सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज या नीचे नहीं जा सकते? नहीं सर। वो फंडामेंटल राइट का वो नहीं करा सकते? नहीं सर।
अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास और 226 में हाई कोर्ट के पास। तो 226 और 32 में कोई अंतर है क्या? हाँ सर, क्या? सर 32 के अंदर केवल मूलभूत अधिकारों के लिए ही जा सकते हैं, जबकि 226 के अंदर उच्च न्यायालय में मूलभूत अधिकारों के अलावा और अधिकारों के लिए भी जा सकते हैं। जैसे जैसे कोई सर रिकॉल नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे मान लो मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है ना, और मैंने उसका वायलेशन कर दिया, तो क्या 226 में जा सकते हो क्या? सॉरी सॉरी सर, चाकसू किस जिले में आता है? सर जयपुर जिले। जयपुर जिले तो चाकसू क्या है, तहसील? तहसील है सर। कितनी तहसील है जयपुर जिले? सॉरी सर, पिंक सिटी ऑफ पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ सर जयपुर को कहा जाता है। ये किसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, किसने कहा था? सर यहाँ पे राजम राम सिंह ने सर्वप्रथम गुलाबी कलर करवाया था जब से ये एक अपने बड़ी चुपड़ के पास में एक ऐतिहासिक इमारत है, क्या नाम है उसका? बड़ी चुपड़ के पास में सर हवा महल। हवा महल, उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं? 853। 853 या कुछ और? 853 सर। ये 953? 853 पक्का। कितने फ्लोर उसमें है? सर 5 मंजिला है। फर्स्ट फ्लोर का नाम? सॉरी सर ये अल्बर्ट हॉल बनाया गया था, किसने बनाया था, किस राजा के कार्यकाल में ये अल्बर्ट हॉल बनाया गया? सॉरी सर। चलिए टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? सर 6 राइट्स। 6 राइट टू प्रॉपर्टी एक है, क्या लीगल है या इलीगल है? सर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये पहले फंडामेंटल राइट्स में था, फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फंडामेंटल ने राइट्स निकाल के और अनुच्छेद 300 का के अंदर रखा गया सर। अच्छा, भारत को क्या एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? समय क्यों, कहाँ ऐसा लिखा हुआ? सर अपने प्रेमबल में ये दे रखा है कि पत्नीरपेक्ष शब्द दे रखा है, और पत्नीरपेक्ष शब्द का अर्थ ये होता है कि राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, सभी धर्म बराबर है उसके लिए। और इसी संबंध में एक विशिष्ट मामला है केशवानंद भारती मामला, उसमें ये कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचे के वो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। तो सर ये मूलभूत ढांचे के अंदर आता है पथनिरपेक्षता, तो इस वजह से सर वो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। एक गोल्डन रूल है हमारे इंटरप्रिटेशन में, क्या कहता है ये स्वर्णिम नियम? सॉरी सर देखो, एक लैटिन है एजुस्टम जेनरिस। सॉरी सर, रेस एप्सा लोक्यूटर। हाँ सर, रेस एप्सा लोक्यूटर। सर अभी मैंने ये ज़्यादा एक बात और बताइएगा सर, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है? सर आर्टिकल अनुच्छेद 1 कहता है
संघ और इसका राज्य क्षेत्र सर भारत राज्यों का संघ राज्यों का संघ इंडिया इंडिया दैट इज भारत तो सर हिंदी में उल्टा हो जाएगा हिंदी उल्टा हो रहा है भारत तो चलिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर स्टॉप कर दो।